जौनपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। सीएम योगी के काफिले के सामने आया एक शख्स, उस युवक ने सीएम योगी को दिखाया काला कपड़ा। तुरंत ही पुलिस ने युवक को दबोचा। पूछताछ में युवक ने अपना नाम बताया मुलायम। जांच के बाद युवक के नाम की हुई पुष्टि। युवक का नाम है आशीष मुलायम। जौनपुर के दौरे पर है सीएम योगी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय गेट पर हुई है घटना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है, जहां सीएम योगी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक देखने को मिली है। सीएम योगी के काफिले के आगे अचानक ही एक शख्स कूद गया और वो उन्हें काला कपड़ा दिखाने लगा। आनन फानन में पुलिस ने उस शख्स को दबोच लिया। पकड़ा गया शख्स अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि काफिले को काला झंडा दिखाने वाले युवक का नाम आशीष मुलायम है, जो अखिलेश यादव का समर्थक है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय का भी दौरा किया और यूनिवर्सिटी से निकलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देखिए अखिलेश यादव के द्वारा बनाए गए इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए जो झूठ का फीता भरे कैंची लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। ये सत्य नहीं है, गलत है, गलत का पुरजोर विरोध होगा। मैं आशीष मुलायम, छात्र नेता, जौनपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।